वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र स्पेशल मिसल पाव रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम स्पॉट काबुली चना, हरा मटर, मट, इसके अंदर 5 से 6 टाइप स्प्राउट है। हमें चाहिए 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 2 मीडियम साइज कटे हुए कांदे, करी पत्ता, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच राय, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज टमाटर का पेस्ट, हरा धनिया कटा हुआ। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। हम गैस पर कुकर रख देंगे। हम इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे राई और जीरा। अब हम राय और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे कांदा, कड़ी पत्ता और मिर्ची, 2 लाल मिर्च। सॉरी 2 हरी मिर्च। कांदे को कलर चेंज होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। कांदे का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक की कच्ची स्मेल जाने तक इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाले अच्छे से भूनने तक गैस को हम मीडियम हाई पर ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद तेल अच्छे से ऊपर आने तक इसको भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तेल ऊपर से छूट चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे स्प्राउट। अब हम इसमें थोड़ी हरे धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अभी हम ढक्कन 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मिसल थोड़ा पतला ही रहता है, हम इसके लिए हम पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। भी ढक्कन लगा देंगे। तीन सीटी आने देंगे। चुकी है, अब हम देखते हैं हमारा स्प्राउट गल गया है क्या। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे। गैस पर हम एक कढ़ाई रख देंगे, उसमें हम 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम इस तड़के को मिक्सर में ऐड कर देंगे। इसे निकाल लेते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे चूड़ा। थोड़ी सी कांदा। हरी धनिया। और लेमन का थोड़ा सा जूस इसमें ऐड करेंगे। हमारा महाराष्ट्र फेमस मिसल पाव रेडी हो चुका है। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके बताइए आपको ये कैसा लगा।